हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशकार ब्लॉग। आज हम आए हैं आपको एक ताजमहल दिखाने के लिए, जिसको मिनी ताजमहल भी बोला जाता है, और वो कहां पर मौजूद है उसके बारे में आपको बताएंगे और ताजमहल का पूरा नज़ारा आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत से आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। हम चल दिए हैं दोस्तों उस मोहब्बत की निशानी की तरफ, जो आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मोहब्बत की निशानी हो तो यार ऐसी हो, लोग मोहब्बत के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन जो इन्होंने करके दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। जैसा कि आगरा के अंदर मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया गया था, ये ताजमहल भी इन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाया है, और मैं ये आपको बताऊंगा बाद में कि ये ताजमहल कहां पर है। मिनी ताजमहल भी इसको कह सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है। इसको मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस हम आ गए हैं वहां पर, और ये मोहब्बत की निशानी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं तो यार उसके लिए ज़रूर बनवाएँ, और अगर मोहब्बत पक्की है तो यार हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही हिस्ट्री के वीडियो हम आपको जरूर दिखाते रहेंगे। तो चलिए आ गए हैं उस ताजमहल के पास और आपको दिखाता हूं पूरा नजारा। दोस्तों ये जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, ये कुंदरकी का एरिया है, हमारा कुंदरकी क्षेत्र है, और जो ताजमहल बनाया गया था वो आगरा के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो ताजमहल है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मिनी ताजमहल है, और ये जो है कुंदरकी के अंदर मौजूद है, जो इन्होंने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, उसकी मोहब्बत में बनवाया था। क्योंकि आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन ये जो ताजमहल है ये ताजमहल कुंदरकी के अंदर मौजूद है, और बिल्कुल सेम उसी का जो आगरा का ताजमहल है बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कुंदरकी के अंदर गुलर चौराहे से थोड़ी पहले, और यहाँ पर कोई भी लोग जो उतरने के लिए आते हैं उतरते हैं आकर बस से, वो भी यही कहते हैं कि कहाँ जाना है भाई, के ताजमहल जाना है। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस पर हमारे देश का झंडा लहराता हुआ, ये देखिएगा, ये ताजमहल है भाई, बिल्कुल मिनी ताजमहल इसको कह सकते हैं, ये एक मिनी ताजमहल है। ये देखिएगा बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस मिनी ताजमहल का, ये गूलर पर मौजूद है, गूलर चौराहा इसको बोला जाता है, ये देखिएगा। और इसके चारों तरफ का अगर मैं नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए इस तरह की कंडीशन है, और ये एक अकेली बिल्डिंग। तो फाइनली दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बड़ी मेहनत से आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।